हेलो स्टूडेंट, मैं आरजे राजेश। लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था प्रकाश के गुणों के बारे में। प्रकाश के गुणों के बारे में जैसे बोला था अपन ने कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश जो है उसकी चाल निर्वात के अंदर सर्वाधिक 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, और प्रकाश का रंग जो है वो उसकी कणिकाओं के तरंगदैर्ध्य के ऊपर डिपेंड करता है। अदर गुणों की बात की थी अपन ने, जैसे प्रकाश में परावर्तन की घटना होती है, अपवर्तन की घटना होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। फिर इसके बाद में प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, व्यतिकरण, विवर्तन तथा प्रकाश का ध्रुवण भी होता है। इन गुणों में से सबसे पहले बात की थी अपन ने प्रकाश के परावर्तन की बात की थी, और प्रकाश का परावर्तन अगर अपन को पढ़ना तो अपन ने बोला था कि इसके अंदर एक पारदर्शी सतह की बात, अपारदर्शी सतह की बात करते हैं। अपारदर्शी सतह मतलब जिसका एक साइड चमकीला हो और दूसरा साइड पॉलिश किया गया हो। जैसे एग्जांपल बोला था अपन ने दर्पण, तो प्रकाश के परावर्तन को अपन ने पढ़ा था कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह पर आपतित होती है तो टकराने के बाद, सतह पर टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। प्रकाश के परावर्तन के अंदर जो प्रकाश की किरण आ रही थी उसको अपन आपतित किरण, जो टकरा के जा रही है उस किरण को परावर्तित किरण बोला था। अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण आर कहा था। फिर इसके बाद में अपन ने रूल बोले थे प्रकाश के परावर्तन के, दो रूल। पहला रूल बोला था कि परावर्तन की घटना में आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब परावर्तक सतह के ऊपर एक ही बिंदु पर मिलते हैं। दूसरे नियम की बात की थी, परावर्तन की घटना में आपतन कोण आई का वैल्यू परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, आई इज इक्वल टू आर। फिर बाद में एक बोला था अपन ने, एक नोट डाल के, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह के अभिलंबवत आपतित अगर हो तो परावर्तन के बाद वापस उसी पथ पर लौट जाती है। वापस उसी पथ के ऊपर लौटेगी तो इस कंडीशन में एंगल आई, आपतन कोण और परावर्तन कोण एंगल आर दोनों का वैल्यू 0° होता है। फिर बाद में बोला था समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। फिर बाद में आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट, इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट की टॉपिक की अगर बात करें अपन, तो ये बोल के चल रहे हैं कि जैसे कोई दो समतल दर्पण एक दूसरे से 30° एंगल पर, या तो दोनों पैरेलल हो या फिर दोनों एक दूसरे के लंबवत हो या फिर किसी 30° एंगल के ऊपर रखे हों। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 30° के कोण पर अगर हो और इन दोनों के बीच में अगर कोई वस्तु है, दोनों दर्पणों के बीच में अगर कोई वस्तु हो तो उस वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं अपन, जब दो समतल दर्पण एक दूसरे से 30° कोण पर रखे हो तथा इनके बीच कोई वस्तु रखी हो तो वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या कितनी आएगी। जब कोई दो समतल दर्पण एक दूसरे से 30° कोण पर हो और दोनों दर्पणों के बीच अगर कोई वस्तु रखी हो तो उस वस्तु के नंबर ऑफ इमेज कितने बनेंगे, जिसकी बात करनी है। नंबर ऑफ इमेज के लिए अगर बात करें अपन, तो यहाँ से पहला पॉइंट लेके चल रहे हैं अपन, फर्स्ट पॉइंट में इफ 360/θ और इज इक्वल टू कितना हो, सम संख्या हो। सबसे पहले चेक करना है उनको कि यदि 360/θ का वैल्यू सम आए, सम संख्या अगर आए तो इस कंडीशन में नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला कितना आएगा, 360/θ-1।
इस कंडीशन में नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला कितना आएगा, नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा माइनस वन, कब, जब 360 अपॉन थीटा का वैल्यू सम के इक्वल आए। जैसे एग्जांपल बोले अपन कि एग्जांपल है आपका कि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो, 90 डिग्री मतलब दोनों दर्पण एक दूसरे के लंबवत हो, दोनों दर्पण एक दूसरे के लंबवत हो। जैसे इस तरीके से ये दो दर्पण, एक दर्पण तो हो गया आपका ये वाला और एक दर्पण हो गया ये, दोनों दर्पण एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल के ऊपर है, थीटा का वैल्यू कितना 90 डिग्री, एक दूसरे के लंबवत है। और कोई वस्तु है, वो वस्तु यहाँ पर रखी है अपन ने, एक वस्तु ओ, तो इस वस्तु ओ का कितना प्रतिबिंब बनेगा, तो सबसे पहले इसको चेक करेंगे अपन कि 360 अपॉन थीटा इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा, थीटा का वैल्यू कितना 90 डिग्री और इज इक्वल टू कितना है वैल्यू 4, और ये 4 क्या है आपका, ये 4 है सम संख्या। अगर 360 अपॉन थीटा का वैल्यू सम संख्या है तो नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला कितना आएगा, तो लिखेंगे यहाँ पर अपन देन नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा माइनस वन इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, तो ये 90 माइनस वन इज इक्वल टू 4 माइनस वन इज इक्वल टू 10। जब कोई दो समतल दर्पण एक दूसरे के लंबवत रखे हो और कोई वस्तु अगर रखी है इनके बीच में, तो उस वस्तु के नंबर ऑफ इमेज प्रतिबिंबों की संख्या कितनी आएगी, 3 आएगी। फिर इसके बाद में दूसरे एग्जाम्पल की अगर बात करें, तो दूसरे एग्जाम्पल में लेके चल रहे हैं अपन कि यदि दोनों दर्पण एक दूसरे के समानांतर हो, यदि दोनों दर्पण एक दूसरे के समानांतर हो, यहाँ पे लिख रहे हैं अपन एग्जाम्पल दूसरा कि इफ थीटा का वैल्यू कितना हो 0 डिग्री, 0 डिग्री का मतलब दोनों दर्पण एक दूसरे के समानांतर है, एक दूसरे के समानांतर। जैसे एक दर्पण ये हो गया आपका इस साइड में पॉलिश कर दिया, एक दर्पण ये बोल दिया इसको इस साइड में पॉलिश कर दिया, दोनों दर्पण एक दूसरे के समानांतर है, तो इस कंडीशन में थीटा का वैल्यू कितना, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। 0 डिग्री अगर है और कोई वस्तु आपकी ओ यहाँ पर रखी है, कोई ऑब्जेक्ट वस्तु आपका यहाँ पर रखा है, तो इस वस्तु का नंबर ऑफ इमेज कितना आएगा, तो सबसे पहले चेक करना है अपन को यहाँ पर कि 360 अपॉन थीटा इज इक्वल टू 360 अपॉन 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट, और इस इनफाइनाइट को अपन सम भी बोल सकते हैं और इसको अपन विषम भी बोल सकते हैं, इस इनफाइनाइट को सम और विषम दोनों बोल सकते हैं। इस कंडीशन में अपन को देखना है कि नंबर ऑफ इमेज कितना आएगा, तो नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा माइनस वन, 360 थीटा का वैल्यू कितना 0 डिग्री माइनस वन, और इसका वैल्यू आ गया इनफाइनाइट माइनस वन, और ये आ गया आपका इनफाइनाइट। इम्पोर्टेंट दोनों कंडीशन को ध्यान रखना कि जब कोई दो समतल दर्पण एक दूसरे के लंबवत अगर रखे हो तो उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या आएगी कितनी, 3, और जब दोनों दर्पण एक दूसरे के समानांतर 0 डिग्री कोण पर रखे हों तो इनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है। फिर इसके बाद में और बात करते हैं अपन कि 360 अपॉन थीटा का वैल्यू अगर सम संख्या आएगा, तब बोला अपन ने नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा माइनस वन। यदि 360 अपॉन थीटा का वैल्यू विषम के इक्वल आए, 360 अपॉन थीटा का वैल्यू किसके इक्वल आए, विषम के इक्वल आए, तो उस कंडीशन में क्या करना अपन, दूसरी कंडीशन लेके चल रहे हैं अपन, यदि 360 अपॉन थीटा का वैल्यू कितना है, 360 अपॉन थीटा का वैल्यू विषम संख्या है, विषम, तब नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा। इस कंडीशन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं अपन, पहला पार्ट इस साइड में, यहाँ पे बोल रहे हैं अपन जब वस्तु दोनों दर्पणों से समान कोण पर हो, समान कोण पर स्थित हो, तो नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला आएगा आपका 360 अपॉन थीटा माइनस वन। इस फॉर्मूले का यूज करते हैं,
दूसरी कंडीशन की बात कर रहे हैं अपन। दूसरी कंडीशन, जब वस्तु दोनों दर्पणों से समान कोण पर ना हो तो नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला यूज करना आपको 360 अपॉन थीटा। दूसरी कंडीशन लेके चल रहे हैं कि यदि 360 अपॉन थीटा का वैल्यू विषम संख्या आएगा तो उस कंडीशन में, पहला कंडीशन, जब वस्तु दोनों दर्पणों से समान डिग्री का कोण बनाएगा या फिर दोनों दर्पणों से समान कोण पर स्थित हो तो नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा माइनस 1, और यदि वस्तु दोनों दर्पणों से समान कोण पर स्थित ना हो तो नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला 360 अपॉन थीटा यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल लेके चल रहे हैं अपन, एग्जांपल यहाँ पर कि इफ थीटा का वैल्यू कितना हो, थीटा का वैल्यू हो आपका 120 डिग्री। जैसे दो दर्पण लेके चल रहे हैं अपन, ये दो दर्पण जिसमें से एक दर्पण तो ये हो गया आपका और एक समतल दर्पण हो गया इस साइड में, इन दोनों के बीच का कोण जिसका वैल्यू बोल रहे हैं अपन थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, और इन दोनों दर्पणों से एक वस्तु मान के चल रहे हैं, एक वस्तु को जो इन दोनों दर्पणों से समान डिग्री के कोण पर है, ये भी 60 डिग्री और ये भी मान के चल रहे हैं अपन 60 डिग्री। वस्तु दोनों दर्पणों से अगर समान कोण पर स्थित हो तो इस कंडीशन में सबसे पहले चेक करना अपन को कि 360 अपॉन थीटा का वैल्यू कितना, तो 360 अपॉन थीटा का वैल्यू 120 डिग्री, तो 120 इज इक्वल टू 3, और ये 3 क्या है आपका विषम संख्या। विषम अगर आ गया तो चेक करना कि ये वस्तु दोनों दर्पणों से समान कोण पर अगर स्थित हो तो नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला 360 अपॉन थीटा माइनस 1, तो यहाँ से लिखेंगे अपन नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा माइनस 1। 360 अपॉन थीटा का वैल्यू 3, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू, इस कंडीशन में नंबर ऑफ इमेज का वैल्यू आएगा 2। दूसरी कंडीशन में लेकर चल रहे हैं अपन, दूसरी कंडीशन में एग्जांपल कि इफ थीटा का वैल्यू तो उतना ही है, थीटा का वैल्यू 120 डिग्री, चेक करते हैं अपन कि 360 अपॉन थीटा का वैल्यू कितना, 360 अपॉन 120 इज इक्वल टू 3, और ये विषम है। यहाँ से लेकर चल रहे हैं कि दो दर्पण और दोनों दर्पण एक दूसरे से 120 डिग्री एंगल के ऊपर है, इस एंगल को बोल रहे हैं अपन थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। यहाँ पर कोई वस्तु रख रहे हैं अपन कि ये हो गया आपका कोई वस्तु ओ हो गया। यहाँ से लेकर चल रहे हैं कि ये एंगल तो कितना मान लिया अपन ने, जैसे ये एंगल तो बोल दिया 90 डिग्री और ये एंगल बच गया आपका 30 डिग्री। इस कंडीशन में चेक करना कि अगर विषम संख्या आ जाए और वस्तु अगर दोनों दर्पणों से अलग अलग कोण पर हो, यहाँ पर इस दर्पण से 90 डिग्री कोण पर और इस दर्पण से 30 डिग्री कोण पर स्थित है, अलग अलग कोण पर स्थित अगर होएगा तो नंबर ऑफ इमेज कितना, नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा, ये वाला फॉर्मूला यूज में लेके चलेंगे 360 अपॉन थीटा, तो 360 अपॉन थीटा का वैल्यू 120 डिग्री इज इक्वल टू आंसर आएगा आपका। तो इस लेक्चर में अपन ने बोला है कि जब कोई दो समतल दर्पण एक दूसरे से थीटा डिग्री कोण पर स्थित हो और अगर उन दोनों दर्पणों के बीच कोई वस्तु रखी हो तो उस वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। पहला पॉइंट बोला अपन ने कि जब कोई दो दर्पण एक दूसरे से थीटा डिग्री कोण पर है और यदि 360 अपॉन थीटा का वैल्यू सम संख्या है, पहली कंडीशन में बोला था कि यदि 360 अपॉन थीटा का वैल्यू सम संख्या हो तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ इमेज बोलना है 360 अपॉन थीटा माइनस 1 से। दूसरी कंडीशन बोल रहे हैं यदि 360 अपॉन थीटा इज इक्वल टू विषम संख्या है तो इस कंडीशन में दो कंडीशन मिलेगी आपकी कि वस्तु अगर दोनों दर्पणों से समान कोण पर स्थित हो तो नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला ये, और दोनों दर्पणों से अलग अलग कोण पर स्थित हो तो नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला ये। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।